नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, जारी किए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैनिक जागरण की तरफ से ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। स्थायी कमीशन से वंचित नौसेना अफसरों को सेवा मुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ वकील आर बाला सुब्रमण्यम से नौसेना के अफसरों की शिकायतों पर दोबारा विचार करने को कहा है, जिसमें कुछ को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। पीठ ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकारी जो 2 फरवरी को सेवा से मुक्त होने वाले हैं, हम निर्देश देते हैं कि जो अधिकारी पहले से ही सेवा में है उन्हें इस अदालत के आदेश तक मुक्त नहीं किया जाए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उनमें से कुछ नौसेना अधिकारी पेंशन योग्य सेवाओं से 1 या 2 साल कम हैं, जिन्हें सेवा मुक्त किया गया है, उन्हें पेंशन देने पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने केंद्र और नौसेना को नोटिस जारी किया तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन नौसैनिक अधिकारियों की याचिकाओं पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा, जिसके नाम पर स्थायी कमीशन के लिए विचार नहीं किया गया है। जैन ने नोटिस स्वीकार किया और कहा कि वे प्रत्येक मामले पर फिर से विचार करेंगे और एक विस्तृत जवाबी हल्फनामा दाखिल करेंगे। नौसेना के अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह, हुजेफा अहमदी और मीनाक्षी अरोड़ा की दलील थी कि नौसेना पदाधिकारियों ने रिक्त स्थानों की जो गणना की है वह कमांडर एजी नारायण मामले में शीर्ष अदालत के 2020 के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।